मध्य रेलवे नागपुर मंडल के नवनियुक्त मंडल रेल प्रबंधक सोमेश प्रसाद ने आयोजित पत्र परिषद में कहा कि नागपुर और अजनी के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य 36 माह में पूरा कर लिया जाएगा। यह रीमॉडलिंग और अजनी में दो अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य भी होगा। इन सभी निर्माण कार्यों के लिए बहुपक्षीय समन्वय पर जोर दिया जाएगा। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश लालवानी ने भी आज नागपुर मंडल के दौरे के दौरान इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए। इसके तहत निर्माण एजेंसी रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण, मध्य रेलवे नागपुर मंडल और मध्य रेलवे के निर्माण विभाग के बीच तालमेल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए नागपुर और अजनी स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के लिए इन तीनों एजेंसी के अपर मंडल रेल प्रबंधक के स्तर पर हर सप्ताह बारी बारी से बैठक भी ली जाएगी। इसमें निर्माण कार्य की समीक्षा की जाएगी। डीआरएम सोमेश प्रसाद सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में बोल रहे थे। प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, सबसे पहले मुझे खुशी है कि मैं यहाँ मंडल रेल प्रबंधक का कार्यभार मुझे दिया गया है। फिलहाल ये कार्यभार लुकिंग आफ्टर में है, चूँकि बोर्ड से मंडल रेल प्रबंधक के ऑर्डर्स जो हैं वो एक साथ ही निकलते हैं। नागपुर मंडल लोडिंग के हिसाब से मध्य रेल का सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। आज के तारीख में हम लोग 54% मध्य रेल की लोडिंग जो है वो नागपुर मंडल द्वारा की जाती है। आज के तारीख में हम लोग ने इस साल 40 मिलियन टन की लोडिंग कल तक अचीव कर ली है। इस बार का जो फरवरी का महीना था ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा महीना था। फरवरी के महीने में केवल 28 दिन होते हैं और उसमें हम लोग ने 4.06 मिलियन टन की लोडिंग की, जो कि नागपुर मंडल के इतिहास में बेस्ट एवर लोडिंग है। इससे लास्ट जो प्रीवियस बेस्ट फिगर है वो 3.79 मिलियन टन्स का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हम लोग ने अचीव किया था। ये जो लोडिंग हम लोग ने अचीव की है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करती हैं, बहुत सारे ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं। दो तीन पॉलिसी डिसीजंस मैं बताना चाहूँगा। एक तो है कि नागपुर मंडल जब से इसमें पूर्णतः इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उससे जो है हम लोग जो है लोकोमोटिव के जो ऑपरेशंस हैं वो एकदम सीमलेस हो गए हैं। पहले डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का मिक्स चलता था। हम लोग ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे अचीव किया। इससे जो है आज के तारीख में हम लोग 180 से 200 लोगों के बीच में डेली का आउटेज दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग ने कार्य किया है वो ये किया है कि 77 लॉन्ग हॉल ट्रेन्स हम लोग ने फरवरी में चलाई हैं। जनवरी में यह आंकड़ा केवल एक ट्रेन का था। 77 लॉन्ग हॉल ट्रेन्स चलाई हैं। इसके लिए काफ़ी मशक्क़त की गई, कंट्रोल ऑफिस का योगदान, हमारे स्टाफ का योगदान, चाहे वो स्टेशनों पर ऑपरेटिंग स्टाफ हो, चाहे CNW स्टाफ हो, चाहे लोकोमोटिव में क्रू हो, इन सभी ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। उस हिसाब से जो आप देखें तो इस वर्ष की जो अर्निंग है वो जो है हमारी 4,700 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। दिस हैज़ बीन द हाईएस्ट एवर अर्निंग, जो कि हम लोग ने फरवरी के महीने में ही अचीव कर लिया था। अभी मार्च का महीना पूरा बाकी है तो उस हिसाब से हम लोग के लिए ये काफ़ी अच्छा सीज़न रहा है, फाइनेंशियल ईयर रहा है। लोडिंग हमारे कुछ गत महीनों में जब बारिश का टाइम था थोड़ी सी बारिश के कारण इफ़ेक्ट हो गई थी, बट अभी
जो है काफ़ी हम लोग ने दोबारा से पकड़ बना ली है, और उस पकड़ बनाने से जो हम लोग का टारगेट है, भारतीय रेल का जो टारगेट है जो कि हमारे प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री ने तय किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।